हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर होम। मेरा नाम है निशांत अग्रवाल और प्रॉपर्टी दिलाऊंगा आपको इसी साल। सो गाइस, आज हम लोग हैं सेक्टर 51 में, जहां पर मैं आपके लिए एक यूनिक साइज 216 गज का 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स का एक लग्जरियस स्पेशियस और इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आज आपके लिए बहुत बढ़िया प्राइस में लेकर आया हूँ। 51 की बात करूँ, यहाँ से स्कूल्स की बात करें तो DPS मिडी जैसे स्कूल्स नियर बाय, हॉस्पिटल्स आपको आर्टिमिस जैसे, सोना रोड, एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती है। इवन जो कनेक्टिविटी है या अमेनिटीज है सारी आपको नियर बाय मिल जाती है, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है। साइज बहुत बढ़िया, घर का लेआउट बहुत बढ़िया, इवन इंटीरियर वर्क बहुत खूबसूरत है। तो एलिवेशन की बात करें फिलहाल थोड़ा रेडी नहीं है। एंड देन पार्किंग की बात करते हैं तो 2 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। बात करेंगे अभी यहाँ पर लिफ्ट लॉबी की, तो लिफ्ट लॉबी का काम अभी चल रहा है। सैंपल फ्लैट रेडी है, दिखाता हूँ काम किस तरीके का आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले लिफ्ट लॉबी की बात करते हैं। लिफ्ट अभी इंस्टॉल नहीं हुई है, थोड़ा सा फिनिशिंग का काम पेंडिंग है, बट सैंपल फ्लैट रेडी है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेन डोर से। तो मेन डोर ऑलमोस्ट 9 फीट हाइट का आपको यहां मिलने वाला है। 9 फीट हाइट बहुत ही रेयर फ्लोर्स में आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया दरवाजा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑलमोस्ट 50 mm का हार्डवुड डोर है। देन यहाँ पे जो वीनियर का काम है और उसके ऊपर यहाँ पर PU पॉलिशिंग की गई है, तो काम बहुत बढ़िया। और साथ ही आपको यहाँ पर क्यूबा का बायोमेट्रिक लॉक मिल जाता है, जो कि फिंगरप्रिंट, कार्ड एक्सेस, यहाँ पर पासकोड और की ऑपरेटेड होने वाला है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क है, बहुत ही सुंदर इंटीरियर इस घर में मिलने वाला है। तो एंटर करते ही हम लोग आ जाते हैं आपके इस लिविंग एंड डाइनिंग हॉल में। सो 216 गज के घर में इतना बड़ा लिविंग एंड डाइनिंग, साइज की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 25x16 स्क्वायर फीट। तो ईजिली 9-12 सीटर सोफा प्लेस कर सकते हो, 6-8 सीटर डाइनिंग आप यहाँ पर इजिली प्लेस कर सकते हो। बहुत ही ह्यूज आपका लिविंग डाइनिंग होने वाला है। फ्लोरिंग आपकी यहाँ पर मिल जाती है वेट्रीफाइड टाइल्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको टाइल्स मिल रही है। फिनिशिंग बहुत बढ़िया और लुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लुक बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको टाइल्स मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर बैक वॉल आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो यहाँ पर लेकर ग्लास का काम प्लस आपको वॉलपेपर का, और साथ में यहाँ पर डेको पेंट का जो मिक्सचर किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ड्रॉइंग एरिया में, टीवी पैनल जो आपको यहाँ पर लगाकर देने वाले हैं, टीवी पैनल बहुत खूबसूरत, यहाँ पर डेको पेंट का काम, लेमिनेट्स, वॉलपेपर एंड देन लोवर्स यहाँ पर मिक्सचर किया हुआ है, जो क्वालिटी वर्क किया हुआ है बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर आपको मिल जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस घर में सीलिंग हाइट ऑलमोस्ट 11 फीट। तो 216 गज के घर में 11 फुट की सीलिंग हाइट, बहुत ही स्पेशियस घर हो जाता है। फैंस आप जितने भी देख रहे हो क्रॉम्पटन के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक फैंस। एंड इवन उसके बाद फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग बहुत ही बढ़िया यहाँ पर की हुई है। सीलिंग में आपको यहाँ पर वोमा लाइट्स LED, देन उसके बाद यहाँ पर साइड्स में जो लाइट्स दी है भाई बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर लगने वाली है। एंड देन फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ आपका ड्रॉइंग रूम एक्सेस मिल जाता है, और साथ में ही आपको यहाँ पर मिल जाती है एल्युमिनियम विंडोज। तो जितना भी काम किया सारा क्वालिटी वर्क है, ब्रांडेड काम है और प्रीमियम काम आपको मिलता है। तो लेआउट एक बार आपको ब्रीफ करता हूँ। मेन डोर से एंटर करते ही यहाँ पर आपको लिविंग डाइनिंग मिल जाता है। राइट साइड में आपको कॉमन वॉशरूम प्लस एक बेडरूम,
देन आपको दो बेडरूम बैकसाइड बैल्कनी के साथ प्लस आपको सेंटर में मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। तो प्राइवेसी की बात करें तो तीनों रूम की प्राइवेसी है डोर्स की। तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन बेडरूम से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कॉमन वॉशरूम से। तो कॉमन वॉशरूम की बात करें तो स्पेशियस वॉशरूम है, जितनी भी यहाँ पर टाइल्स आपको दिखे स्टोनिक फिनिश में मैट फिनिश के साथ आपको टाइल्स दिखेंगे, बहुत ही प्रीमियम है। और इवन जो फिनिशिंग है प्लेसमेंट है बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट बाथरूम फिटिंग्स आपको जगुआर की, प्लस आपको वैनिटीज, गीजर्स, फैंस, एग्जॉस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले। काइंड ऑफ एंट्रेंस पे जो यहाँ पर वॉलपेपर का और लोवर्स का काम किया है राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ बहुत बढ़िया। तो क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको काम मिल जाता है। देन एंटर करते ही सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम के साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 13x12 स्क्वायर फीट का यूजेबल स्पेस आपको मिल जाता है। फ्लोरिंग देखने में आपको वुडन फ्लोरिंग लग रही हो, बट आपकी वेट्रीफाइड टाइल्स हैं जो कि वॉशेबल टाइल्स है, लुकिंग आपकी यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग जैसी है। मेन वॉल पे पीओपी का काम, इवन सीलिंग तक भी बहुत बढ़िया, और सीलिंग हाइट यहाँ की भी देख सकते हो बहुत बढ़िया। एसी की फिटिंग्स दे रहे हैं, क्रोमटन के फैंस यहाँ पर भी, और इवन टीवी पैनल आपको डेको पेंटेड यहाँ पर भी लगाकर देने वाले। तो काइंड ऑफ व्हाइट एंड देन ऊपर जो काम किया होगा इस वॉल पे बहुत ही शानदार। एंड स्टोरेज की बात करें तो 3-door वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल रही है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क एंड काइंड ऑफ जो चीज़ें यहाँ पर दी गई आपकी, तो बहुत ही बढ़िया काम आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टोरेज में भी। और अगेन एल्युमिनियम विंडोज हैं आपकी फ्रंट साइड बैल्कनी के साथ, तो आपको यहाँ पर भी काम बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ वर्क मिल जाते हैं। इवन जो हैंडल्स की बात करें, डोर्स का काम की बात करें, तो बहुत बढ़िया रोज गोल्ड कलर की हैंडल्स आपको यहाँ पर डोर सेट के मिल जाते हैं, तो बहुत बढ़िया काम है। चलेंगे अभी यहाँ पे बाकी के दो बेडरूम्स। उससे पहले बाकी के दो बेडरूम से पहले आज आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे मॉडुलर किचन, और मॉडुलर किचन का जो सेकंड पार्ट है हमारा घर का बैक साइड वाला पार्ट है जहाँ पर मॉडुलर किचन और दो बेडरूम होने वाला है। तो एंट्रेंस हम लोग देखेंगे जो सीलिंग में लोवर्स का काम और एलईडी लाइट्स का काम है बहुत ही शानदार। लेफ्ट में एक बेडरूम, राइट में सेकंड बेडरूम, देन आपके सेंटर में मॉडुलर किचन। तो स्टार्ट करें किचन से, सबसे पहले ब्रेकफास्ट काउंटर आपको यहाँ पर मिल रहा है, और उसके बाद स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको ग्लास शटर और ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ यहाँ पर काम मिलता है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस, एंड देन यहाँ पर किचन का साइज जो है इस बहुत बढ़िया है। पूरी किचन एक्रेलिक ग्लास में बनी है, ब्लैक टॉप मार्बल और चिमनी होप कैप की ऑटोमेटिक। इवन जो फिनिशिंग है गाइस देखते ही बनती है, इंटीरियर्स बहुत खूबसूरत है, माइक्रोवेव ओटीजी के लिए स्पेस। सो इवन जो यहाँ पर आपको शटर्स मिल रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर शटर्स मिलने वाले, ग्लास शटर्स हो रहे हैं। तो बैक साइड बैल्कनी के साथ एक्सेस मिल जाता है आपको मॉडुलर किचन का, रिवॉल्विंग टैब आपको यहाँ पर मिल जाती है जगुआर की, और इसके बाद यहाँ पर साउंड प्रूफ आपको सिंक, और देन लास्ट में अगर बात करें इनोटेक्स आपको यहाँ पर हैटिक की मिल जाती है सॉफ्ट फ्लोर्स। तो किचन का काम बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इंटीरियर इस घर का, मुझे तो गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है। तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन बेडरूम से। तो सेकंड बेडरूम की बात करें तो सेकंड बेडरूम की साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 15x11 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर मिल जाता है सेकंड बेडरूम। फ्लोरिंग अगेन यहाँ पर टाइल्स हैं, वॉशेबल टाइल्स हैं आपकी, देखने में वुडन फ्लोरिंग है। एंड वार्डरोब की बात करें तो 3-door वार्डरोब आपको इस घर में मिल जाती है। अगेन जो काम की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एसेसरीज दी गई है वार्डरोब में बहुत बढ़िया वुडन का काम, प्लस यहाँ पर जो एलईडी लाइट्स दी गई है बहुत बढ़िया। मेन वॉल पर सीलिंग हाइट देखते ही बनती है भाई, 11 फीट के आसपास सीलिंग हाइट है। क्रोम आपको यहाँ पर फैंस जो हैं मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, देन यहाँ पर आपको ड्रेसर एरिया मिल जाता है। और उसके बाद बात करें वॉशरूम की तो वॉशरूम बहुत स्पेशियस है, शावर एरिया आपका यहाँ पर सेपरेट है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आपको लुकिंग मिरर्स कंप्लीट वॉल पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ग्लोसेरा और जगुआर की बाथरूम फिटिंग्स और वैनिटीज, बहुत बढ़िया इंटीरियर आपको आज यहाँ पर मिलने वाला है। इवन लग्जरियस अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही लग्जरियस लेवल पे आपको फ्लोर मिल रहे हैं। फाइनली थर्ड बेडरूम, और थर्ड बेडरूम का साइज 14x11 स्क्वायर फीट, फ्लोरिंग सेम है यहाँ पर वेट्रीफाइड टाइल्स वुडन फ्लोरिंग शेड में। देन मेन वॉल पे पीओपी का काम बहुत बढ़िया, और एंट्रेंस पे ही यहाँ पर जो वुडन का काम किया प्लस यहाँ पर सीलिंग एलईडी लाइट्स का काम किया बहुत खूबसूरत है। टीवी पैनल आपको इस रूम में भी मिल जाता है, तो डेको पेंटेड यहाँ पर आपको मिल जाता है टीवी यूनिट प्लस लेमिनेट्स का, और इवन यहाँ पर जो नेचुरल वुड का काम किया बहुत ही अच्छा। एंड देन स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लाइडिंग वार्डरोब मिल जाती है 3-door, एंड देन यहाँ पर भी स्टोरेज में बात करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही बढ़िया एसेसरीज के साथ यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड देन बात करें यहाँ पर ड्रेसर एरिया आपको मिल रहा है, और बात करें एक्सेस आपको बैक साइड बैल्कनी का यहाँ पर भी मिल जाता है। वॉशरूम की बात करें तो क्वालिटी ऑफ टाइल्स बहुत बढ़िया, प्रीमियम टाइल्स यहाँ पर मिल रही है मैट फिनिशिंग में। जगुआर की बाथरूम फिटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, एंड वैनिटीज इंक्लूडिंग डेको पेंटेड आपको यहाँ पर भी मिल रही है।
तो बहुत ही बढ़िया काम है। मुझे तो गाइस बहुत ही रेयर मिलता है कि 216 गज या 200 गज के घर में इस तरीके के लेआउट और काम देखने में। सो गाइस पूरा घर मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार पूरा घर यहाँ से ब्रीफ करूंगा। सेक्टर 51 216 स्क्वायर यार्ड, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम्स का एक लग्जरियस बिल्डर फ्लोर है। लोकेशन बहुत बढ़िया और घर की बात करें तो स्पेशियस बेडरूम्स, लिविंग डाइनिंग और इंटीरियर वर्क बहुत ही खूबसूरत है। ऑटोमेटिक फैंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जगुआर की बाथरूम फिटिंग्स, लुकिंग मिरर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन यहाँ पर जो भी काम है सारा प्रीमियम ब्रांडेड काम आपको मिल जाता है। तो लेआउट, लोकेशन सब कुछ आपको पसंद आने वाली है। अगर बात करें अवेलेबिलिटी की तो 2 ही फ्लोर अवेलेबल हैं और प्राइसिंग आपकी स्टार्ट होती है 2.10 CR। बहुत बढ़िया प्राइस है और इवन क्वालिटी स्पेस आपको 240 गज जैसा मिलने वाला है। तो कैसा लगा घर मुझे जरूर बताना और प्राइसिंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए 9205041868 निशांत अग्रवाल के नंबर पर कॉल कर सकते हो। प्लीज़ मुझे जरूर बताना घर कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद गाइस।